चुप जो है वो बहुत सारी अभी रिसेंट की बॉलीवुड फिल्मों को चुप करा देगी। मैं एक डेढ़ साल की बात करूं तो हम बहुत सारी फिल्में जो देखी है हमने बॉलीवुड की, उससे काफी हटकर फिल्म है ये। उन्होंने जो स्टोरी लिखी है उसमें दिखता है कि उनका कितना प्यार है, और अगर आप फिल्म भी देखोगे इतनी फास्ट पेस स्टोरी है। अगर बहुत अच्छा लगा उनको बहुत टाइम बाद पर्दे पर देखकर, बिल्कुल देखिए एंड सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री। आप सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी फिल्में बना के वो भी दिखाएंगे। हाय हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं पवन सागर, वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन। दोस्तों फाइनली स्टारिंग बाय सनी देओल, दिलकर सलमान एंड श्रेया धन्वंतरी की मूवी चुप फाइनली रिलीज हो चुकी है और बड़े पर्दे पे, और अच्छी खासे रिव्यूज भी पब्लिक से इनको मिल रहे हैं। तो आइए हमारे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्सपर्ट यानी कि अनुप जी से जानते हैं कि उनको किस खास अंदाज से मूवी लगी। तो बहुत स्वागत करते हैं अनुप जी। अनुप जी वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन, कैसे हो आप? थैंक यू, मैं अच्छा हूं पवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। फाइनली आपने देख लिया चुप, कैसी लगी मूवी और क्या कहना चाहेंगे चुप के बारे में? फिल्म काफ़ी अलग है जो हम आज की डेट में, पिछले इस अगर मैं एक डेढ़ साल की बात करूं तो हम बहुत सारी फिल्में जो देखी है हमने बॉलीवुड की, उससे काफ़ी हटकर फिल्म है ये। और स्टोरी में मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि एक बॉलीवुड की फिल्म है और उसके अंदर एक ट्रिब्यूट टू बॉलीवुड है, स्पेशली गुरु दत्त जो अपने आप में इतने एक लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं, एक्टर रह चुके हैं, कि एक दिखता है कि आर बाल्की जो डायरेक्टर है उनका हिंदी फिल्मों के लिए जो पैशन है, उनकी जो स्टडी है, उनके जो छोटी छोटी बारीकियों पर नज़र है, और जो एक प्यार होता है ना आदमी का फिल्मों के लिए, वो दिखता है आर बल्कि की इस प्रेजेंटेशन में। चुप जो है वो बहुत सारी अभी रिसेंट की बॉलीवुड फिल्मों को चुप करा देगी। जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया लेजेंडरी हमारे एक्टर गुरुदत्त जी का, उनका रेफरेंस लेके इस मूवी की स्टोरी लाइन लिखी गई है, तो आर बल्कि की स्टोरी लाइन राइटिंग एंड उनकी डायरेक्शन कितनी आपको पसंद आई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे आर बल्कि जो है एज अ फिल्म मेकर, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी हर फिल्म में जो है एक काफ़ी सादगी वाली राइटिंग भी होती है, पर उसमें एक अपनी एक छाप होती है और काफ़ी रियलिस्टिक लोकेशंस पे होती है, तो फिल्म जो है अपने आप में बहुत रियल लगती है। इस फिल्म में भी अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा सेट वाला काम नहीं था, सब रियलिस्टिक लोकेशन पे। और आर बल्कि की जो स्टोरी थी उसमें दिखता है कि भाई इन्होंने, आर बल्कि जो है इनका जो, इनके पहले एड फिल्म मेकर थे, और उसके कारण उनका जो एड फिल्म मेकर की खूबी ये होती है कि उनको बहुत कम समय में अपनी बड़ी बात कहने की आदत होती है। आर बल्कि उसमें एक्सपर्ट है। उन्होंने जो स्टोरी लिखी है उसमें दिखता है कि उनका कितना प्यार है, और अगर आप फिल्म भी देखोगे इतनी फास्ट पेस स्टोरी है। अगर आप दूसरी सीरियल किलर वाली फिल्में देखते हैं उसमें एक मर्डर का पूरा सा टाइम लिया जाता है, बट यहाँ पे फिल्म इतनी फास्ट पेस होती है, शुरुआत में कब 3-4 मर्डर हो जाते हैं आधे घंटे के अंदर आपको मालूम नहीं पड़ता है, इतने आप बह जाते हो फिल्म के साथ में। तो मुझे लगता है आर बल्कि की ही एक खासियत है। हालांकि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जब वो एक किलर की जो आइडेंटिटी रिवील करने वाली बात होती है, वहाँ पे अचानक से एक सडन टाइप से वो रिवील हो जाता है, वो थोड़ा सा एक जर्क लगा मुझे। बट फिल्म का देखिए, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती है, और मैं उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मालूम ही था आपको कि क्या होने वाला है। पर बहुत प्यारी फिल्म लगी, आर बल्कि ने अपना राइटिंग और डायरेक्शन का छाप छोड़ा है बिल्कुल। क्या बात है, मुड़ते हमारे अगले पड़ाव के ऊपर। सनी देओल काफ़ी टाइम के बाद बड़े पर्दे पर आए हैं, उनका काम कैसा लगा? दिलकर सलमान है जो साउथ के हमारे यू नो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर जिनको कहा जाता है, उनके पहले उनकी सीतारामन मूवी भी आई, उनके काम के बारे में क्या कहना है? देखिए सनी देओल की बात करते हैं, सनी देओल को तो हम सब बहुत प्यार करते हैं, वी लव यू सनी सर, एंड बहुत अच्छा लगा उनको बहुत टाइम बाद पर्दे पर देखकर। हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सनी देओल अगर एक कॉप के अवतार में है तो डेफिनेटली थोड़े से अपने वो टिपिकल अग्रेसिव और थोड़े से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में होंगे, पर यहाँ उनका कैरेक्टर थोड़ा सा टोन डाउन और मेलोड डाउन है, थोड़ा सा उनका वॉल्यूम भी कम है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था यहाँ पे। पर ओवरऑल जो है उनको एक शार्प पुलिस वाला दिखाया, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, और उनके लिए इतना प्यार है दिल में सनी सर के लिए कि उनको स्क्रीन पर देखकर ही बहुत अच्छा लग जाता है। दुलकीर जो है, दुलकीर का मैं आज से फैन नहीं हूँ, दुलकीर का मैं फ़ैन हूँ जब से उन्होंने मलयालम फिल्में की थी, आपकी ये मैं आपको नाम बता देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर दुलकीर सलमान जो है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए हिंदी फिल्मों में भी पहली फिल्म थी, ऐसा नहीं, वो पहले कर चुके हैं हिंदी फिल्में। इसमें जो उनका कैरेक्टर है ये बहुत टफ है, और डेफिनेटली किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइप का कैरेक्टर प्ले करना। तो इसमें मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो उनका एक पहला पार्ट है जहाँ पर वो एक सिंपल से क्यूट लवर बॉय टाइप के इमेज में है, वहाँ पर उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, वो डेफिनेटली बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो उनके सॉफ्ट डायलॉग डिलीवरी है वो डेफिनेटली लड़कियों को बहुत अपील करेगा। जो उनका सेकंड अवतार है वो थोड़ा सा मुझे वीक लगा, उसके जो मैनरिज्म्स हैं, जो उनका डायलॉग डिलीवरी है, वहाँ पे ऐसा लगा कि थोड़ी सी और मेहनत करते तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता। बट दुलकीर इज़ अ वेरी फाइन एक्टर एंड वी लव हिम, एंड देन डेफिनेटली हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। उन्होंने अपना काम अपनी एज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा किया। क्या बात है, लीड्स में उसके साथ साथ पूजा भट्ट भी है जो काफ़ी टाइम के बाद बड़े पर्दे पे आए हैं, एंड दूसरी श्रेया धन्वंतरी
वो भी इसमें है, तो उनके बारे में क्या कहना रहेगा? पूजा भट्ट का जो करेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी का दिखाया गया है, और पूजा भट्ट जैसा कि हम ऑफलाइन देखते हैं उनके कमेंट्स में, तो वो मुझे लगता है उनके लिए बहुत नेचुरल करेक्टर है, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा उनके बारे में। बहुत ही उनके लिए आई थिंक वो केक वॉक था, वो जैसी रियल लाइफ में होंगी शायद उनको वही प्ले करना पड़ा होगा ऑन स्क्रीन। श्रेया धन्वंतरी तो माई गॉड, व्हाट अ फैबुलस एक्टर। हमने उनको स्कैम 92 में देखा था, एंड वो ऐसा लगता है कि जिस कैरेक्टर में जाती है वो उसको अडेप्ट ऐसा कर लेती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्टिंग कर रही है। शी इज सो नेचुरल, उनकी डायलॉग डिलीवरी होगी, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे लगता नहीं कि उनको पता है कि कैमरा चालू है, ऐसा लगता है कि वो नेचुरली बिहेव कर रही है और कोई शूट कर रहा है, विच इज़ सच अ रियली नाइस थिंग, बिकॉज वो मतलब अगर कोई एक्टर कॉन्शियस हो रहा है कैमरा से तो वो दिखता है, बट यहाँ पे वो नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगेगा कि ये लड़की तो शायद हमारे आजू बाजू भी कहीं रहती होगी, तो उनका कैरेक्टर इतना अच्छा होता है किसी भी फिल्म में जब वो काम करती है। पूरी मूवी देखने के बाद ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन रहा या फिर डायलॉग रहा है, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी सारे डायलॉग है, तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर डायलॉग है या फिर सीन है जो आपको पूरा आपका फेवरेट बन चुका, आपको बहुत अच्छा लगा ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा कोई एक पर्टिकुलर डायलॉग तो नहीं कहूँगा, पर मुझे जिस टाइप से दिखाया गया है कि मर्डर्स हो रहे हैं और कैसे रिव्यूज़ को हिस्सा बना के रिव्यूज़ से टुकड़े चुरा के वो मर्डर्स कर रहे हैं, मुझे वो काफ़ी स्मार्ट लगा, क्योंकि हमने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं है कि रिव्यू में कुछ कुछ शब्दों को पकड़ के एक सीरियल किलर अपना मर्डर प्लान करेगा, उस हिसाब से लोगों को मारेगा। मुझे वो काफ़ी क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग लगी आर बाल्की जी की। चलो ठीक है, फाइनली लोगों को क्या कहिएगा इस मूवी को देखने के लिए, लोगों से क्या दरखास्त करेंगे आप? लोगों से मैं यही कहूँगा कि बहुत अलग फिल्म है, जो हम रेगुलर लव स्टोरीज, थ्रिलर्स या हम कोई भी आज की डेट में फिल्में देख रहे हैं उससे काफ़ी अलग है, और मर्डर मिस्ट्री जो होती है वो तो हम लोगों को नेचुरली अपील करती है, और ऊपर से ये तो सीरियल किलर वाली मर्डर मिस्ट्री है, तो ये और ज़्यादा अच्छी बनी है। आर बाल्की जो है बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, पूरी मूवी जो है आपको बहुत रियलिस्टिक लगेगी, आप डेफिनेटली इसे देखिए। और आज तो वर्ल्ड सिनेमा डे है, तो एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन सिनेमा, एज समवन हु लाइक्स इंडियन सिनेमा, आप बिल्कुल देखिए एंड सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री। आप सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी फिल्में बना के वो भी दिखाएंगे। लास्ट सवाल का, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 3 स्टार दूंगा। थैंक यू सो मच अनुप जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन। दोस्तों अगर आपको ये रिएक्शन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आपने देखी है चुप, तो आपको मूवी चुप कैसी लगी वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोज आपको पसंद आते तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कौन से नए वीडियो पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा फिल्मी टाउन।